अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं जबले ओहद पे इसकी हाइकिंग करने। दोस्त आए हुए थे यम्बो से, पर इन्होंने मुझे भी मरवा दिया साथ में। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह। वजी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें जबले ओहद पे लेके आए, और हमारे साथ मोहम्मद फैज बैकपैक के साथ, शाहिद हारून, वजी उल हसन और मैं खुद बजाते खुद आ जाएं। फिर फैजी भाई की बस हो गई है। फैजी भाई जल्दी आओ यार, ये देखें माशाल्लाह मदीना का खूबसूरत व्यू। मस्जिद नबी भी दिखा दीजिए, इस जगह पे मस्जिद नबी भी है माशाल्लाह। फैजी भाई थक गए हैं, जल्दी आए ना, इन लोगों के साथ रहे। अबरार भाई और शाहिद भाई तो जंगली चीते हैं। और ये हमारा ब्लैक पैंथर पीछे रह रहा, जल्दी आ जाओ यार। अबरार भाई कैसा फील कर रहे हैं? जी शायद भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और भी जो जबरदस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बंदा बैठकर पूरे मदीना का नजारा कर सकता है। ये माशाल्लाह शहदा हद मस्जिद है, और इस जगह पे मैदान जंग था। ये सामने जो छोटी सी मस्जिद नजर आ रही है, और जिस पहाड़ की हम हाइकिंग कर रहे हैं, इस पहाड़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था, और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ओहद हम में से हैं और हम ओहद में से हैं। ओ मेरे जूस पियो, अल्लाह अल्लाह, ये लो जूस पियो, जूस पियो, मजा नहीं लाइफ, हिम्मत कर हिम्मत। बहुत जूस ना पीवी जी माशाल्लाह। हम लोग तकरीबन मीट में पहुंचे हैं अभी, इंशाल्लाह 25-30 मिनट में अगर शाजी ने साथ दिया तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। जी भाई इंशाल्लाह थोड़ा सा रह गया बस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही हमने ऊपर ले जाना सब कुछ। जी फैजी भाई मजा आया लगता है, लास्ट वीक बारिश भी हुई ना। जी जी, इसी वजह से भी वो जो छोटी सी पहाड़ी है वो देखें, वो जो उस जगह पे गजवा खंदक हुई थी, उस पहाड़ी के करीब जामिया खंदक उधर हुई थी। ये शोहदा अहद जिधर वो जो बीच में बिल्डिंग वाली, और अबरार भाई इधर कौन जाएगा इस घर में? ये जाएगा, जंगली जानवर ही होंगे। ये देखे नी माशाल्लाह मदीना की दूसरी साइड। जी जी एयरपोर्ट वाली साइड है। ये मस्जिद नबी वाली साइड, और ये वाली मिकात वाली साइड जो तरीक हिजरा कहलाती है। फैजी आ जा यार, थोड़ा ही रह गया, थोड़ा ही।
आजा आजा आजा। ये माशाल्लाह हाइट चेक करें जी। अबरार भाई बहुत हाइट है यार। हाँ जी अबरार भाई वो देखे, हम इंशाल्लाह उस चोटी पे जाएंगे, वो वाली जो है। जी थोड़ा ही रह गया, जल्दी आ जा। अबरार भाई तो हमसे ऊपर चले गए। अबरार भाई जल्दी आ गई। जी चोटी पे जाने के लिए थोड़ा सी सफर रह गया बाकी हमारा, इंशाल्लाह 10-5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अबरार भाई कितना रह गया? आप तो ऊपर हैं, थोड़ा ही है कि सर कर लिया आपने। ये जी अभी हम लोग बिल्कुल पहाड़ की टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए मदीना का व्यू, माशाल्लाह कितना बड़ा सिटी है। अजी भाई ये पीक है ना? जी ये पीक है इस पहाड़ की, मेरे ख्याल में सबसे ऊंची चोटी यही है जिस पे हम आ गए हैं। ये देखें हमारे इस बंदे के हाल देखे। फैजी आ जा। जी हमें इधर माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी मस्जिद मिली है ऊपर चोटी पे। लास्ट टाइम भी हम जब लोग आए थे, मैं वकास भाई एंड असद शेख, तो इस मस्जिद तक होके गए थे। ये देखें माशाल्लाह, शायद भाई बड़ी प्यारी मस्जिद किसी ने बनाई है यार, माशाल्लाह। ये देखें अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई दे। बिल्कुल लास्ट टाइम जब हम आए थे तो सेम इसी पॉइंट पर रुके थे, और मैं अपने उन दोनों दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, वकास भाई एंड असद शेख साहब हमारे कैमरामैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये सनसेट का क्या व्यू है माशाल्लाह। इस बंदे ने मेरे ख्याल से ये मस्जिद बनाई है, इधर इसकी लिखी हुई है ये 992 हिजरी हिजरी है या ईस्वी है ये तो उसी को पता है, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद, मोहम्मद की तो समझ आ रही है, मोहम्मद अली ऐसी है। अबरार भाई क्या लिखा हुआ है? ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसकी तामीर के लिए उसने लिखा हुआ है, ये कन्फर्म नहीं हम कह सकते। 92 में ये बनी थी सन हिजरी। ये मोहम्मद की तो समझ आ रही है अबरार भाई सारी, मोहम्मद अली आगे कुछ समझ नहीं आ रहे, लेकिन ये इस बंदे की मेहनत है जो इसने ओहद की पहाड़ की टॉप के ऊपर इसने मस्जिद को तामीर किया मुकम्मल पत्थर लगा के। और ये जैसा कि आप देखेंगे बिल्कुल इसके अपोजिट इसके सामने मस्जिद हरम, क्योंकि आपको बिल्कुल अभी लाइटिंग उसकी स्टार्ट होगी तो आपको मुकम्मल दिखाई देगी। और ये वो मकाम है जहाँ पे गज़वा ओहद हुआ था। वजीउल हसन टॉप पे पहुंच चुके हम लोग, मोहम्मद फैज शायद हारून, माशाल्लाह। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। आज का जो प्लान है बहुत जबरदस्त हो गया जी। इब्रार भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत ही जबरदस्त, और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इधर लेके आए। एक तो हमने ज्यादतें कर ली बहुत ज्यादा, और ये पहाड़ भी देख लिया माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान भी डन हमारी तरफ। ओके
अच्छा बनाया है ना। आंदा वो तो बड़ा रेडी है। अच्छा मैं गया सी ना कैंपिंग पे। कैंपिंग पे हुई सी मैं चार बार। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।